की जय, भारत माता की जय, गायत्री मंत्र एक साथ ओम दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्वज्रं तन्नासो ॐ शान्ति शान्ति गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है छोटी सी उपासना विरोचन जप और ध्यान ये दोनों मिलते हैं तो उपासना ठीक बन जाती है। जब किसका किसी भी ऐसे नाम का किसी भी ऐसे मंत्र का जिससे अपने इष्ट के सानिध्य का बोध हो, हमारा इष्ट है वो हमारे साथ है वो हमें देख रहा है, तो नाम जब से, क्योंकि नाम के अंदर तुलसीदास लिखा है कि नाम के साथ उसका पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है ना, अरे ये तो रावण है, रावण कहते ही वो सब बात स्पष्ट हो गई, अरे यहाँ तो राम राज्य है ना, अरे ये तो संत है, एक बात ये तो पूरे घूम जाता है। तो ये तो सदाशिव है, मतलब हमेशा कल्याणकारी रहता है किसी भी रूप में, है ना, अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी शिव हैं और रुद्र हो गए तो भी शिव हैं, क्योंकि किस अनिति को ही मारेंगे वो, अशिव तो वो कभी है ही नहीं। तो ऐसा नाम के साथ भी होता है, मंत्रों के भी साथ होता है। ये गायत्री मंत्र को जो लोगों ने विशेष कहा है वो इसीलिए है कि ये मंत्र है, उसका एक अर्थ भी होता है, उसका एक उच्चारण का भी फायदा होता है। यहाँ पर ऐसे आप देखना चाहें, जिनने भी देखा है, एक बहुत संगठन है विश्वव्यापी थियोसोफिकल सोसाइटी, वो सिस्टर एनी भी सेंटर उनके सदस्य चल रहा है, उसे ब्रह्म विद्या समाज करते हैं, वो भी यही मानते हैं कि ये तो हिमालय में जो ऋषि तंत्र है वही कंट्रोल करता है सारी दुनिया को, उन्हें ऊपर से निर्देश मिलता है, इस गतिविधि को उठाओ, इस राष्ट्र को उठाओ, इसको कर दो, कर देते हैं। जैसे भारत अभी नीचे गया तो फिर उन्होंने कहा था अरविंद जी ने कि ये जान करके निर्देश था कि भारत की आध्यात्मिक चेतना को थोड़ा सा सुला दो, सुप्त अवस्था में डाल दो, क्यों, क्योंकि पदार्थ विज्ञान को बढ़ना है, अध्यात्म के ऊपर रुचि है तो वो पदार्थ पे ध्यान ही नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा तो शोध नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। पदार्थ है तो खराब नहीं, उपयोग से होता है, कोई पदार्थ दुनिया में ना अच्छा है ना बुरा है, अच्छा उपयोग कर लो तो अच्छा, बुरा कर लो तो बुरा। अब ये देखो ये इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे जहाँ पहुँच लो थोड़ी देर में, अभी लाइव कर देंगे सब लोग देख लेंगे, ये पदार्थ विज्ञान ने तो सुविधा की है ना, चाहे जिससे बात कर लो, ऑडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, पहले तो संदेश लेने आदमी भेजना पड़ता था, चिट्ठियों का इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो ये जो सब हुआ है, कहीं भी कुछ वही दृश्य है, सारे देख लो, हमारे नेट पर देख लो, कोई भी डाउनलोड, सब पूरी दुनिया में कोई भी गतिविधि चल रही है आप ले लो, ये पदार्थ विज्ञान से ही हुआ ना, विकसित हो गया। अब पदार्थ विज्ञान भटकने लगा तो अब अध्यात्म को फिर से जगाओ, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा, है ना, वो हो भी रहा है, पैसा बढ़ गया तो वो व्यसन की तरफ भाग रहा है, ताकत बढ़ गई तो आतंकवाद फैला रही है, अकल बढ़ गई तो घोटालेबाजी कर रही है, अकलमंदी करते घोटाले, बेवकूफ तो नहीं कर रही, तब ये बढ़ गई लेकिन इनको सही जगह लगाए कौन, तो वो हमारी आत्मशक्ति लगाएगी, तो उसके साथ में तो यही हथियार,
अध्यात्म उद्देश्य यही है कि आत्मचेतना से जुड़े रहो, क्योंकि कंट्रोलर तो वही है, सारी इंद्रियों को सबको करती है, लेकिन उसको हम जगाते नहीं है, इसलिए बनी रहती है। कोई अगर संगीतज्ञ बने हैं तो अपने गले को तैयार करना पड़ेगा, नहीं कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। ट्यूटर खरीद सकते हो, कर सकते हो, राग ले आओगे, लेकिन गाना तो अपने गले को तैयार। तो हर एक गले में स्वर है, पुरुष का अपना है, नारी का अपना है, गाओ अपने स्वर में। तो ये ऐसी साधना है, विकसित कर लोगे तो होगा, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ है, ये सब नियंत्रण में नहीं रहता, तो किससे सीखें? तो अपने प्रभु से सीखो ना भाई, उसने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, उसके यहाँ तो कोई नहीं, ना कोई सूर्य बहता है, ना कोई चंद्र बदलता है, ना कोई आकाशगंगा, सबको कंट्रोल करता है ना, तो इतना बड़ा कंट्रोलर है, तो हम भी तो उसके कोई है, क्यों सर? तो अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमें भी सिखाएगा, क्यों? क्रिएट उसने कर दिया तो हम कंट्रोल तो करना सीख लें, दे दिया हम उसे बना बनाया, अब बना बनाया किन लोगों ने दे दिया, इसमें गतिविधियाँ तो चलाओ भाई, इसको मेंटेन करो, आई। तो भगवान ने जो हमें दे दिया है, फिर कह दिया कि इतनी कैपेसिटी है कि ये तो किसी भी लेवल पर विकसित हो सकता है, तो विकसित तो वही होगा जो अपने कंट्रोल में, अनुशासन में हो। जो बच्चा स्कूल का अनुशासन नहीं मानता, वो कैसे और विकसित होगा? बैठते ही रहेगा ना। तो फिर किससे सीखे? भगवान से। भगवान को लेकर तमाम झंझट है, कहाँ से लाए, किस नाम से बुलाएं। तो ये गायत्री मंत्र को से इसलिए कहते हैं कि भगवान का स्वरूप समझा देता है, और स्वरूप समझाने के साथ के संबंध का रास्ता ही बता देता है, तो संबंध का रास्ता भी बता देता है, तो उसका लाभ उठाने का ढंग भी बता देता है, और फिर कह देता है कि जब उसको तुमने बना दिया तो अब वो चलाता रहे, तो चलते रहो, इसीलिए इसे श्रेष्ठ। और ये मंत्र के रूप में उसका बड़ा प्रभाव है। वो हमने थियोसोफिकल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय करीब 120 राष्ट्रों में उसके यहाँ ब्रांचेज है, और जहाँ उनका कन्वेंशन होता है तो उनके यहाँ पूजा होती है, उसका नाम भारत समाज पूजा है, कभी हो तो पुस्तक व्यक्ति सभी लगे तो भारत समाज पूजा। संस्कृत में श्लोक है, वो आचार्य बोलेगा फिर सब दोहराएंगे, ये करते हैं, उनके यहाँ पूजा के बाद वो अभिमंत्रित जल ही प्रसाद में देते हैं, उठेगा अभिमंत्रित करेगा, सबको एक एक चम्मच दे देगा, स्ट्रिक्ट उनका वो है। तो कहीं देश में विदेश में कहीं वो ही होगा उनके कन्वेंशन में। उसकी भूमिका में लिखा है, पादरी लैडविटर हुए हैं, अकल्टिस्ट थे वो, अकल्टिस्ट माने जिनको क्रियाओं से होने वाला प्रभाव दिखाई देता है। तो उन्होंने लिखा है इसके गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र जो है ये बहुत जल्दी काम करने वाला मंत्र है, उच्चारण के साथ ही इसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है, और सबसे समर्थ मंत्र है। बहुत बड़ा पादरी था, पर वो छोड़ करके आ गया था सुधारने के लिए, वो अलग कहानी है, दूसरी हो जाएगी। और उसने ये भी कहा है कि इसके भाव को आप किसी भी भाषा में अनुवाद करोगे तो भी प्रभाव करेगा, संस्कृत में उसका प्रभाव कुछ विशेष हो जाता है। तो उस बात को समझ लो तो क्या है, तो भगवान को कहाँ देखें, तो सूरज को ना हम लैबोरेटरी में ला, सूरज में हम जा सकते हैं, लेकिन सूरज हमारे पास तो आता है ना, जिस रूप में आता है उसी रूप में हम उसका फ़ायदा उठाएं, तो खूब उठाओ, खूब प्रकाश भी है, खूब गर्मी भी है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल लगा लो तो बिजली भी है, क्यों सा घोड़ा डिस्टिलेशन प्लांट लगा दो तो वो भी है, सब सूर्य कर देता है हमारे काम, वनस्पतियों को भी पका देता है, भीतर के भूगर्भ की चीज़ों को भी पका, सब सूर्य कर रहा है, लाभ उठा रहा है। तो ये सूर्य स्वयं हमारे पास आता है, हमें क्या करना है, जहाँ उसको इस लेकर रिसीव करना सीख लेना, ट्रांसमिशन तो सब जगह है,
अब तुम्हें अगर ट्यूनिंग करना आ गया तो तुम्हारे इसमें भूल जाएगा, तुम्हारे ट्रांजिस्टर में भूल जाएगा, तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा, तुम्हारे नेट पे आ जाएगा, ट्यून करना है आपको आ जाएगा। तो यही वो कहते हैं, तुम्हें कहती है भगवान का उपासक किसके हो, तो सबसे सहज और सबसे साइंटिफिक भगवान का नाम है ओम, जो नाम भी है और नहीं भी है। तो नासा ने भी ये अनुभव किया है कि ओम से मिलता हुआ एक साउंड बराबर कॉस्मोस में बराबर हो रहा है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है तो उन्हें शब्द ब्रह्म कह दिए, नाद ब्रह्म कह दिया, नाद के रूप में आ रहा है, उसी को मान लिया ईश्वर का प्रतीक। अब ईश्वर कैसा हमें नहीं पता, जैसा चाहो वैसा, क्यों जाना, पानी का आकार कैसा, जैसा पात्र रख दो वैसा, गिलास में डाल दो गिलास जैसा, लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा, जग में डाल दो जग जैसा, मग में डाल दो मग जैसा, कोई दिक्कत नहीं। और पानी को पानी कहें तो प्यास बुझाएगा, और वाटर कहें तो नहीं बुझाएगा, फिर भी बुझाएगा, जल कहें तो अभी बुझाएगा, आप कहें तो, अरब में आप कहते हैं, आपा का अपभ्रंश है वैसे संस्कृत में आपा का, कुछ भी कह लो पानी अपना गुण तो करेगा ना, मुंह भी धो देगा, नहला भी देगा, प्यास भी बुझा देगा, ये काम तो उसका नहीं बदलना नाम बदलने से। तो नाम बदलने से अगर पानी अपना गुण नहीं बदलता तो ईश्वर भी नहीं बदलेगा, नाम तो अपनी मर्जी का चल रहा है। तो कौन भूर्भुवस्व में बस वो तत् कह के छोड़ दिया, तत् भी ही शी नहीं इट दैट, स्त्री पुरुष का भी जाना नहीं, वो कौन है वो तत्व है, कहाँ है भूर्भुवस्व में। तो फिर वो तुम्हारे पास आता, तुम वर्ण करना सीख लो, तत्सवितुर वर्ण्य, बड़ा गंभीर है। सविता उसे कहते हैं जिसने पैदा किया है, बनाया नहीं, बना दो तो इंजीनियर है, इधर उधर कहीं थोड़ा इकट्ठा करके, लेकिन पैदा करती है माँ या तो परमात्मा अपने अंदर सब करती है। सविता प्रसविता भवती, ये सृष्टि बनाई हुई नहीं है, तो भगवान ने अपने अंदर से प्रकट कर दिया, तो वो सविता है। तो माँ ने जिस बेटे को अपने पेट से जन्म दिया है, अब उसके निर्वाह के लिए और कुछ मिला ना, माँ जो दूध बनाती वो तो बिल्कुल ठीक है, क्यों सर और कुछ खाए अनुकूल बैठे ना बैठे, तो जिस माँ ने पैदा किया वही दूध देगी तो ठीक है। तो उसने हमें पैदा किया तो हमारे पोषण की सबसे अच्छी व्यवस्था उसी के पास है, तो संपर्क कर लो ना भाई, फिर अब दूध पी लिया करो है ना, तो दूध पीना जाना है तो फिर खेलना बंद करना पड़ेगा, फिर उचकना बंद करना पड़ेगा, फिर शैतानी थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा, फिर माँ की गोद में बैठना पड़ेगा, फिर एक ही क्रिया रहेगी, फिर दूध पीना है वो बड़े प्रेम से पिलाएगी तो बड़े प्रेम से पियो, पेट भर जाए चले जाओ, फिर भूख लगे फिर आ जाओ बस। तो कहते संसार में खूब काम करो, ऊर्जा लेने के लिए फिर आगे बैठ जाओ, ऊर्जा ही नहीं, ऊर्जा को जो सही दिशा में लगाता है वो स्वभाव भी वो दे देगा, वो प्रवृत्तियां है ना, वो भी वो दे देगा, बस मांग लो ना। कलाकार बनना है तो वो कला की जगह देगा, पहलवान बनना है तो वो जगह देगा, मुझे विद्वान बनना तो वो जगह देगा, श्रेष्ठ तुम कर लो देगा, सभी फैकल्टीज लगती है ना यूनिवर्सिटी में, कहाँ जहाँ भर्ती हो जाओ वहीं बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके पास, लेकिन फिर बैठना है तो उसके पास बैठना। तो ये उन्होंने कहा कि बैठना है तो फिर खाली होकर बैठ जाए, गंगा जल लेने जाएं और लोटा भरा लेके जाएं, और वैसे ही वैसे डुबो लाए कितना गंगा जल आएगा, ये कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर वहाँ जाके गंगा किनारे से आप पानी रखो, गंगा किनारे पहुँच गए अब लोग मत करो, अब इसको खाली कर दो, अब तो गंगा मेरी भर ले लूंगा भाई, अरे ये तो बहुत मेहनत से किया था, बड़ी उससे इकट्ठा किया था, इसको कैसे छोड़ दो, यार छोड़ दिया गंगा किनारे पहुँच गया यार, मत कर इसको खाली कर, गंगा जल लेना तो साबित गंदा था,
तो कुछ मत कर, गंगा में दो तीन दफे लोटे को अड्डा बाहर कर, साफ हो जाएगा, बाहर के आ जाना, ठीक है ना। तो जब भगवान के पास पहुंच ही गए तो डूबो, उसने डूबो बाहर आप थोड़े फिर ले आना, खाली हो जाओ तो वो दे देगा, भरे में क्या डालेगा, है ना। ये उसके पास बैठ वर्ण करने का ही ढंग उसके लिए तत्सवित रू, ये मान लो कि वो ये, अरे कहाँ भगवान, कहाँ हम, कहाँ ये अनगढ़ बच्चा और कहाँ सारे परिवार को संभालने वाली इसकी माँ, इनका क्या संबंध है। बच्चा हर जगह गंदगी फैलाता है और वहाँ जगह व्यवस्था बनाती है, तो अभी बच्चा उसी का है ना, तो हम भी गंदगी फैलाते हैं वो सब व्यवस्था, तो अभी बच्चे तो हम उसी के हैं ना, उसी का दूध पी के वो सो जाएगी, उसी के निर्देश पर चल के हम भी सुगढ़ बन जाएंगे, ले रहे ना भाई क्या दिक्कत। तत्सवितुर हो रही है, उसने पैदा किया उसी से ले, शक्ति भी लो, दिशा भी लो, शनि सब दे देगा। फिर क्या रहो, जो वो दे दे फिर उसको अपने पास रखो, इधर से डाला उधर से निकाल दिया क्या मतलब, बताओ उसने भूल गया तो क्या मतलब, मैंने खाना दिया तुमने फेंक दिया तो क्या मतलब, तो खाओ तो बता सुनो जी भाई, किस रूप में आएगा, भर्ग के रूप में, तेज के रूप में आएगा, सवित्र सवित्र देवस्य भर्गा दिया, वो कोई खतरा नहीं है, वो देवता उसे दे नहीं देना है, तुम्हारा कुछ लेना नहीं है उसे, उसे दे नहीं देना है, अरे वो आएगा तो कुछ ले जाएगा, नहीं कुछ नहीं ले जाएगा, ले जाएगा तुम्हारी कमियां ले जाएगा, बाकी कुछ वो देवता है, इसलिए उसके तेज को अंदर आने दो, शंकर जी के शिवलिंग से भी आने दो और लड्डू गोपाल के पास से भी आने दो, और कन्हैया जी आएगा तो भर्ग के रूप में, वो तो भीतर वैसे तो नहीं बैठेंगे आप करोगे, तो भगवान का तेज आता है वो भेज देता है उसे, उसको धारण कर लो, फिर क्या करें, अब बस ठीक है, अब तुम आ गए तो हम निश्चिंत हैं, हमसे तो निर्णय गलत हो सकता, अब तुम निर्णय करो, हम चलेंगे, अब कृष्णा के रथ में बैठ गए, अब ठीक है, हथियार तो हम ही चलाएंगे, लेकिन महाभारत कृष्ण ही जिताएगा, तो मेहनत तो हम ही को करना है, लेकिन भगवान की दिशा मिलेगी तो हमारा संसार भी ठीक रहेगा, हमारी दुकान भी ठीक रहेगी, हमारे परिवार भी ठीक रहेगा, हमारा बिजनेस भी ठीक रहेगा, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा, उसके हिसाब से बस ये। तो फिर धियो यो न प्रचोदयात, अब तुम चलाओ हम बैठे, आप प्रेरित करते नहीं, अब आप ही कर दो, नहीं ये बात नहीं बनेगी, अम्मा जी वड़ा पानी चीज खाना कमजोर है खाना, ये बना दिया, हाँ ठीक है तू बना ले बेटा, नहीं हमसे नहीं बनता, तो अच्छा हम बनाए देते हैं, तो परोस ले, नहीं हमसे तू मम्मा मत तू परोस दे, अच्छा परोस भी दिया, अब बेटा खा बेटा, मैं अम्मा मेहनत पड़ेगी तू ही खा ले, अब यहाँ नहीं चलेगा, अब खाना तो जी बन रहा है, उसने बना भी ले भी आई सामान, बना भी दिया परोस भी दिया, अब भाई खाना तो ये है ना, तो वो करना तो फिर आपको है, तो करोगे आप व्यवस्था सब करें, अरे अम्मा अभी खा लिया ऐसे वो लग रहा है, चलो आज मैं गोली भी खिला दी, तो सब है, नहीं करना तो हमें है, और ये भाव रख के तो बन जाता है, यही है, तो गायत्री मंत्र का अगर सीधा सीधा ये भाव पकड़ ले तो उसके बहुत से ढंग हैं, उसके उच्चारण का प्रभाव है कि भावना का प्रभाव है, लेकिन ये इतनी मोटी बात है, ये समझ में आ जाए तो काफ़ी, ठीक है ना। तो इसी का थोड़ा सा, इसी के भाव का ध्यान कराते हैं आप लोग, जब करते हो तो उसी में थोड़ा सा सुगम सा ध्यान है, बैठ जाइए सीधे जिस आसन में आराम से बैठ सकें, कमर सीधी कर लीजिए, हाथ जहाँ रखना गोद में रखिए, घुटनों पर रखिए, जैसा है कोई मुद्रा बनाना हो तो कर लीजिए, बाकी सारे भाव से बैठ जाए, आँखें बंद कर लीजिए, एकदम शांत, भगवान से, भगवान की दिव्य चेतना से संपर्क बनाना है, इसलिए शांत हो जाओ, क्षमता तो हमारे अंदर है, हम बना सकते, तो ओम भूर्भुवः स्वः सब जगह है।
इसको भाव को लीजिए और हम ओम बोलेंगे, आप बोलना मत, आप सोचना जो हम बोल रहे हैं वो आप कंपन आपके अंदर भी है और वो सारे में फैल भी रहा है बहुत दूर, जहाँ तक कल्पना जाए वहाँ तक यही ओम का गुंजार फैल रहा है। ऐसा भाव करिए, आपको अंदर अनुभव करना भी बोलना नहीं है। सकता वहां जाए, वहां यही गुंजार वही तरंग एक दिव्य प्रकाश एक दिव्य कंपन सब जगह है। सब जगह ये गुंजन जाता है, बस ये सब जगह है, ईश्वर के रूप में परमात्मा सब है। धरती में क्या विशेषता है, वो ईश्वर की वजह से धारण करने की क्षमता उर्वरता, कोई भी आकार पकड़ने की क्षमता, ये सब धरती में जो है वो सब उसी से। ओम भूर भुवस्व, भू में भी वो अंतरिक्ष में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में शांति देने की क्षमता उसी की है। वो मंडल सब पूरे पूरा पूरे दुनिया में वही है, जहाँ धरती है वहाँ उर्वरता है, वहाँ धारण करने की क्षमता है, वहाँ आवश्यकता है आकार देने की क्षमता है, ये सब भगवान की वजह से। जहाँ पानी है वो प्रवाहित होता है, वो शांति देता है, ज्ञान में जाता है, ये क्षमता उसकी है। जहाँ धरती उसमें भी हुई, जल में भी उसकी विशेषता, अग्नि में सबको रूपांतरित करती, भोजन भी पका देती है, और पानी को हवा में ले जाती है, भाप बना देती है, फिर बादल बना देती है। कौन? अग्नि, वायु मिलके, वायु में प्राण उसी की वजह से हम श्वास लेते हैं, वही परमात्मा। ओम भूर भुवः स्वः तत्। आकाश सबको समेटे हुए है, ऐसे ही भगवान सबको समेटे है, वो सबके अंदर भी है बाहर भी है। पानी हमारे चारों तरफ भी है, हवा में पानी है, आसमान नीला उसी लिए दिखता है, हमारे अंदर भी पानी है, हमारे चारों तरफ पानी है, तो फिर परमात्मा भी है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्। गर्मी हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी, अग्नि तत्व हमारे भीतर भी भोजन पकता है और हमारे बाहर भी भोजन पकता है, अग्नि ही पचाता है, वहाँ जठराग्नि है, वहाँ प्रत्यक्ष अग्नि है। आकाश में भी ये तप रहा है सूर्य, वो भी अग्नि है। भू तत्व सब जगह है, जल तत्व सब जगह है, अग्नि तत्व सब जगह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्। भगवान की अनुभूति सब जगह है। वायु में जो क्षमता है, हमारे अंदर भी वायु है, हमारे बाहर भी वायु है, हमारा हर सेल सांस लेता है, हमारे अंदर भी वायु है, ऑक्सीजन कम हो जाती है
तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हमारे अंदर भी वायु है, हमारे चारों तरफ भी वायु है, और आकाश भी है जगह, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। तो जब ये पांचों तत्व हैं, हमारे अंदर और बाहर धरती भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, तो इन सबको नियंत्रण करने वाला वो प्रकाश रूप भी हमारे अंदर है। ओम भूर भुव स्वः। वो है, हम जीवित रहने जितनी सांस तो ले लेते हैं, जीवित रहने इतनी सांस तो हम ले लेते हैं, लेकिन और अगर शक्ति है तो खास प्राणायाम करते हैं तो हमें मिल जाता है। पानी सब तरफ है, लेकिन जब हमें पानी की जरूरत होती है हम उसे पीते हैं। हमारे अंदर अग्नि कम पड़ती है तो हम बाहर अग्नि तापते हैं। हम उसका वर्ण करना पड़ता है, पृथ्वी तत्व हमारे सेल टूटते रहते हैं, हम भोजन करते हैं तो उनकी पूर्ति होती रहती है, जल बाहर जाता रहता हम पीते रहते हैं उसकी पूर्ति होती रहती है, हमारी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, हम ऊर्जा पैदा करते रहते हैं, वायु लेते रहते हैं, तो वर्ण करते रहते हैं। तत् सवितुर वर्ण्यम, उसका भी वर्ण करें, वो भी चेतन रूप है, हमारे सब चला ही रहा। तत् ओम भूर्भुवस्वः तत् सवितुर वर्ण्यम। ये पौधे कुछ खाते नहीं दिखते, लेकिन वो उस चेतन का वर्ण करते हैं तो उनमें पत्तियाँ भी आ जाती हैं, फूल भी आ जाते हैं, हमारे लिए भी फल दे देते हैं। कैसे? उसका वर्ण करते हैं। तत् सवितुर वर्ण्यम, उन्हें वर्ण करना आता है। जिसमें जो विशेषता है वो उसी की वजह से धातु उसी से मजबूती पकड़ लेते हैं। तत् सवितुर वर्ण्यम, वर्ण हमें सारे रेडियो ट्रांसमिशन हमारे आसपास हैं, आपको जो रहना है उसका आपको ग्रहण करना है, रिसीव करना है। ऐसे ही वो चेतन है, उससे अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए वो स्वास्थ्य दे देगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, ज्ञान चाहते हो ज्ञान दे देगा, अच्छी भावना चाहते हो वो देगा, वर्ण तो करिए। तत् सवितुर वर्ण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सत्र हो ही है, और हम उसे वर्ण कर लें तो वो हमारे पास आ जाए। हम जितनी गहरी श्वास खींचते उतने हमारे फेफड़ों में भर जाती है, फिर हम उसे अपने अंदर घुमा लेते हैं। ऐसे उस चेतन को भी घुमाइए, ओम भूर्भुवस्व तत् तत् सवितुर वर्ण्यम, वो वर्ण कर रही है, तैयार बैठा है। माँ की गोद में जाओ तो माँ तो तत्काल प्यार करेगी, तत्काल दूध पिलाएगी, तत्काल भोजन कराएगी, हमारे लिए जो जरूरी है वो देता है और हम लेते हैं। पर अगर वो देता है देवस्य भर्गा धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, वो ओज के रूप में देता है, तेज के रूप में देता है। बिजली आती है, बिजली में कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो है अगर आप उसको हीटर में डाल देते तो गर्मी दे देती है। कैसे हो गया? बिजली को गर्मी में बदल ली, आपके अंदर भी तंत्र है, आप उसे गर्मी में बदल लो, फिर वही बिजली कूलर में जाती ठंडा दे देती है, वही बिजली बदल जाती ठंडा है, वही बिजली। तो वर्ण कर लिया और धारण कर उसे, अपना रूपांतरित हो जाए। कोई बिजली मोटर में जाती है तो घुमाने लगती है, ताकत लगाने पैदा कर देती है। तो ऐसे ही परमात्मा आता है तो हमारे आरोग्य भी पैदा कर सकता है,
हमारे अंदर ज्ञान भी पैदा कर सकता है, हमारे अंदर भाव भी पैदा कर सकता है, हमारी अकुशलता भी पैदा कर सकता है। अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो मूल तत्व है। ओम भूर ओम सर तत् सब जगह व्याप्त तत्सवितुर्वरेण्य, हम वर्ण कर सकते हैं और वर्ण करने से वो आता है। भर्गो देव स्थिति में ही वो तेजस्विता के रूप में आता है, प्राण के रूप में आता है, दिव्य तेज के रूप में भर्ग में आता है। उसको धारण कर, जैसे ही आप धारण करेंगे तो अपनी पाचन शक्ति भी बन जाएगा, आपकी श्वसन शक्ति भी बन जाएगा, आपकी विचार शक्ति भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। यो ना अब वो चलाएगा। जब सब तरफ वो ही बैठा है तो हम उससे लेते हैं जिन शक्तियों को, वो तो हमारे यहाँ से तो बहक जाती हैं, लेकिन वो ही बैठेगा तो फिर कोई नहीं बहेगी, ना जीभ बहकेगी, ना कान बहकेगा, ना इंद्रियां सब का, क्योंकि वो ही चलाना जानता है ना। तो जब आपने उस सब जगह देखा ओ गुरु सतत आप अनुभव कर रहे हो, तब सवितुर्वरेण्य वर्ण कर रहे हो, वो आ रहा है, उसे आप धारण कर रहे हो, तो वो जो चेतना उसी को कह दो कि अब तुम ही संभालो ये काम, तो सबको संभाल देगा। न कान बहकेगा, ना आँख बहकेगी, ना जीभ बहकेगी, ना कोई इंद्री नहीं बहकेगी, क्योंकि वो चला रहा है। भीतर से भाव उठना चाहिए कि आप ही संभाल लो। तो वो प्रेरित करता रहेगा, चलोगे आप, यो ना जो दिया आप हमें प्रेरित करते हैं तो हम चलते रहेंगे। कृष्ण प्रेरित रह करता रहेगा, शक्ति देता रहेगा, लड़ता अर्जुन रहेगा। भगवान हमें शक्ति देगा, प्रेरणा देगा, करेंगे हम, बस सद्गत निश्चित है। ओम भूर्व स्व तत् जहाँ तक कल्पना जाती है वहाँ तक तत् सवितुर्वरेण्य, वो वर्ण करने योग्य हम कर सकते हैं। आता है तो तत् भर्गो देवस्य धीमहि, उसके तेज को धारण करो और फिर वो हमारे यहाँ कागज तंत्र है, तो वही बुद्धि में जाकर के विचार बन जाता है, विवेक बन जाता है, वही हृदय में जाके भाव बन जाता है, वो इंद्रियों में जाकर के शक्ति बन जाता है, पैरों में जाके गति बन जाती है, वही बिजली। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, शरीर में धारण कर लिया, जहाँ धारण कर लोगे वही हो जाएगा। प्राण चिकित्सा वाले यही करते हैं, तुम्हारा तो हम मदद करते हैं लोग, लाभ हो जाता है। ये सोचता है कि प्राण चिकित्सा है, पूरे को अपने को भगवान में डुबो दिया। वो प्रार्थना करती कि जहाँ कमी दिखे वहाँ आप आ जाओ, हम आपको ले जा रहे हैं, आपको करना है, खराबी हटा रहे तो हटा देना, संस्कार जगाना हो तो जगा देना, जो आप ठीक समझे सो करो, यथा योग्य तथा करो, जो उचित है सो करो, हम तो अपनी बात करो। ओम गुरुवासव तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि, वो सब जगह वर्ण किया, धारण किया, वो ही चला है, बस आनंद ही आनंद है। गरीबी में भी आनंद, संपन्नता में भी भटकाव नहीं है। किसानी में, व्यापार में, अफसरी में, नेतागिरी में, सब जगह वो है, तो वो चलाएगा तो सब सार्थक हो जाएंगे। हम जो भी हैं, जैसे उपयोग से सार्थक बनता है, तो जब उपयोग करेगा तो सब सार्थक, ऐसा भगवान की कृपा है। हमने ध्यान किया, हमें किसी अंश में उसकी अनुभूति हुई, अब इस रूप को धारण करें और जो कुछ हमारे अंदर है वो अंदर बाहर एक जैसा हो जाए और स्थिर हो जाए इसी भाव से। अब हम ओंकार बोलेंगे, आप भी साथ साथ बोलेंगे, और ये समझना कि जो कुछ हमने अनुभव किया है वो हमारे अंदर स्थिर हो रहा है। श्वास के एक साथ वो बोलेंगे ओ सब तरफ काम कर रहा है, वही हमारे अंदर गुंजार पैदा कर रहा है, सब बाहर भीतर ही वो कहीं भी स्थित कर रहा है। ओम के रूप में ईश्वर का स्पंदन हमारे अंदर भी है, हमारे चारों तरफ भी है, और वो हमें जो अनुदान दे रहा है
उसको स्थिर करने का उपयोग करने का विधान भी बना रहा है। फिर से ओम बोलेंगे ओ चेतना भी समर्पण कर रहे वही स्वर बाहर है वही स्वर अंदर है वही चेतन बाहर है वही चेतन अंदर है और दोनों में आपस का तालमेल बैठ गया जैसे ओम अंदर भी है बाहर भी है बस ये तालमेल बना रहे। फिर से एक बार ओ सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम शांति शांति।